हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। हमने बात कर ली थी एरी से कैंसेरियन तक के लिए, अब लियो के लिए आगे बात करेंगे। आपको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आई थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। लियो से बात करते हैं। लियो के लिए लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, सडन अब्रप्ट चेंज है देखिए आपकी लव लाइफ में, और इस तरह का कुछ चेंज है कि जिसमें आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। बट एक डिसीजन लेते ही आपकी लाइफ जो है वो बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगी। बहुत ज्यादा अच्छा जजमेंट का कार्ड है और वो ये कहता है कि आपको कुछ चीज में डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन लेते ही आपको मूवमेंट आएगी, आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आपको पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती थी लाइफ में। और हो सकता है कि जो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे वो आपको लेना बंद कर देंगे, क्योंकि आप अपने लिए खुद से फाइट करेंगे और खुद से कुछ डिसीजन लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स ये कहते हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर सिचुएशन ऐसी लग रही है कि सब कुछ डिसिपेट हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी लव लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आगे लेकर आइए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको मिलना है। और कोई राज की बात अगर आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चलती है तो ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, रादर आपको चाहिए कि पेशेंस से काम ले, इस तरह से पेशेंस से काम ले कि फिर आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होंगी। जो गुस्सा, जो बात आप करना चाहते हैं, जो कोई बात आपको पता चली अपने लाइफ में, आप उस बात को लेकर अभी इतना जल्दी से रिएक्ट मत कीजिए, इतना जल्दी से आप गुस्सा भी मत कीजिए, क्योंकि जो भी रिबेलियस नेचर होगी फ्रेंड्स वो आपको कहीं ना कहीं पे करेगी। आपको अभी इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बाद में आपको हो सकता है कि चीज़ें जब क्लियर होंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अब चीज़ों को क्लैरिटी दीजिए, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए आपस में, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ। अगर कोई भी ऐसी बात पता चलती है तो आप उन चीज़ों को क्लियर कीजिए, अपने नेचर पर विश्वास कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो आपको गाइड भी करेंगे, आपकी न्यू जो बिगनिंग्स हैं उसके लिए भी वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए कितना अच्छा है, रोमांस भी आएगा आपकी लाइफ में। जो इशूज़ आ गए, जो अंडरस्टैंडिंग्स आ गई, जो बात पता चली उस पर अगर आप बहस नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लियोस, मैं आपको सिंसियरली कह रही हूँ कि कोई भी चीज पर रिएक्शन जो है वो एकदम से मत देना, रिएक्शन को धीरे धीरे देंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इसी तरह हम बात करते हैं आगे। लियो के बाद हम वर्गोस के लिए बात करेंगे। वर्गोस को तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वैसे आपकी लव लाइफ में प्रॉस्पैरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशन है, वैसे आपकी लव लाइफ में ऐसे ऐसे पार्टनर के साथ मैच कर रही है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आगे बढ़ा है, और आपकी शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए वर्गोज, आपकी शादी के इतने ज़्यादा चांसेस हैं, आपको अपने दिल का पार्टनर मिल चुका है या मिलने वाला है, आपकी लाइफ में लव बहुत अच्छे से एंटर कर चुका है, और जो इमोशनल हैसल्स थे, इमोशनल जाम था, फ्रस्ट्रेशन था, वो दूर हो जाएगा, और जो भी आपको अपने आप में ऐसे बंधा बंधा महसूस कर रहे थे तो वो चीज़ें जो हैं वो मूव हो जाएंगी, वो चीज़ें अच्छे के लिए मूव होंगी, वो बेटर होगा, आपको अपनी लाइफ में पता चलेगा। आप अपनी इनर वॉइस पर ध्यान दीजिए, जो आपके मन की बात है उसे सुनिए, जो आपकी आत्मा की बात है उसे सुनिए। बहुत अकेले रहने का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब आपकी सक्सेस का टाइम है, लव लाइफ में भी सक्सेस का टाइम है, यानी कि आप अपने दिल की बात बहुत खुलकर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा और बहुत ज़्यादा आप खुश रहेंगे। और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि आप अपने अंदर के बचपने को जगाई रखिए, क्योंकि ये समय है जब आप अपने अंदर से खुश रहेंगे, ये समय है जब आपकी शादी का समय है, जब आपके पार्टनर के साथ आपकी एसोसिएशन का समय है, जब आपको सुनना है और बहुत प्यारी बातें सुननी है, तो इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। चलिए बात करते हैं हम लिब्रंस के। लिब्रंस के लिए अगर हम बात करें तो उनकी लव लाइफ में देखिए पार्टनर की बहुत महत्ता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं क्योंकि इतने बड़े चार्मर हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप किसी के साथ आर्गुमेंट भी करें तो वो भी इतने प्यार से करते हैं, इतनी चार्म से करते हैं। कोई अगर डोमिनेंस भी दिखाते हैं तो वो भी बहुत ही चार्म के साथ करते हैं। आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी जर्नीज भी होंगी, आपका जो बंधापन है वो दूर हो जाएगा,
जाएगा, आप नए काम की एक शुरुआत करेंगे, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हैं लव लाइफ के लिए, लेकिन बहुत सोच विचार कर डिसाइड करना, क्योंकि आपको पता है कि आपको इल्यूजन से दूर होकर डिसाइड करना है। जो कंफ्यूजन, जो इल्यूजन आपके माइंड में आ रही है अपने पार्टनर को लेकर स्पेशली, तो बहुत ज्यादा चीजों को मत सोचिए, आई को मत सोचिए, वी को सोचिए, क्योंकि अब आप दो जने हैं और दो जनों को जब आप सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सब तरफ से खुशहाली भर जाएगी। जो ये कंफ्यूजन है, कंट्रोल का कंफ्यूजन है, वही सौरव को लेकर आता है। किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्रिएटर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, लव आपके साथ है, लव की ताकत से ऊपर कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो जब इतनी सारी पावर आपके साथ है, इतनी सारी ह्यूमैनिटी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपको फेवर कर रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है, और इतना पॉजिटिव रहना है और इतने ढंग से पॉजिटिव रहना है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो रही हैं, आपके दिल की सभी इच्छाएं फुलफिल हो रही हैं, और वो तभी होंगी कि अगर आप फाइट करना बंद कर देंगे, आप लड़ना बंद कर देंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके अंदर से जो खुशी है वो बाहर निकलेगी। आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने दिल को संभालिए, मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए अपने आप पर, अपने इच्छाओं पर, और सब कुछ जो है वो आपके फेवर के अकॉर्डिंग होगा ही होगा। चलिए अब बात करते हैं लीब्रंस के बाद हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए देखिए, जब मैं कार्ड उठाया है तो वो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट का कार्ड है, पर काम से बेस हो सकता है कि ये बहुत रिलेशनशिप को इतना समय ना दे पाए हों, इतना टाइम ना दे पाए हों, जिसकी वजह से उनको एक लॉस की फीलिंग आ रही है, या अपने घर से दूर, या अपने प्रेमिका से दूर, या अपनी लाइफ से दूर, उनको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई है। बैलेंस कैसे आएगा, मदर या मदरली लेडी उस बैलेंस को लाने में आपकी हेल्प करेंगी, ज्यादा मत घबराओ। कहीं ना कहीं से ऐसा जरूर सिचुएशन आएगी, जो लॉस्ट रिलेशनशिप है वो दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर पहले ही कोई लॉस्ट रिलेशनशिप है तो उसके भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है तभी ऐसा होगा। आपको ऐसे सोचना है कि अगर आप बिल्कुल डाइवोर्स के पास है तो सेपरेशन से पहले एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आपकी सेपरेशन बिल्कुल खत्म ही हो जाए और आप दोबारा से अपनी लाइफ में उसी पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहें, और जो कंफ्यूजन, जो प्रॉब्लम्स, जो कंट्रोल इश्यूज हैं वो सब ठीक हो जाएं, और आप अपने आप को उन्हीं के पास दोबारा से महसूस करें, जो स्टैंडस्टिल सिचुएशन है, जो किसी ट्रायंगल की वजह से, किसी लेडी की वजह से खराब हो गई थी। तो उसमें आपको सोचना यही चाहिए कि आपको इंटीग्रेट होना है। अगर आप उनके साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप उनके सही मायने में पार्टनर हैं, वरना आपको बहुत गिल्ट होती रहेगी अंदर से और बहुत ज़्यादा दुख लगेगा, क्योंकि एक्चुअली गाइडेंस तो आपको यही कहती है कि आप अपने पार्टनर से दूर मत जाइए, और अगर वो चले भी गए हैं तो उनके आने का समय है। तो आप अब समय जिस तरह का है तो आप बहुत ही प्यार से अगर आप उन्हें बुलाते हैं तो वो दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ये समय है जब आपको अपनी ईगो, अपने पुराने इश्यूज को लेट गो करना है। ये टाइम है जब आप पीसफुली अगर कोई भी इस तरह की फ्रेंडशिप को ऑफर करते हैं तो वो फ्रेंडशिप जो है वो आपके गाइडिंग एंजल्स गाइड करेंगे। अपने यूनिवर्स को याद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए, वो आपको जरूर स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाएगा। आपकी लाइफ में हार्मनी आने वाली है, न्यू लव आने वाला है, जो लव पुराना भी है वो भी आपकी लाइफ में आ सकता है। आपको साइंस मिलेंगे चारों तरफ से। You only need to do one thing and that is forgiveness. तो जो पुरानी बातें हैं अगर आप उन्हें छोड़कर फॉरगिव कर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत चैन आ जाएगा, बहुत रिलीफ आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लैरिटी के साथ दिखेंगी। वो इतनी अच्छी तरह से आप उन्हें कर पाएंगे अपनी लाइफ में, एक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि आपकी लाइफ जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो ये तो था फ्रेंड्स कैंसेरियंस के बाद लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक का लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर में। बाकी वीडियोस के लिए भी प्लीज़ मेरे साथ आप अटैच रहिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल।